सो पहले ही मैं आपको बता दूं, ये वीडियो किसी भी यूट्यूबर को हेट पहुंचाने के लिए नहीं है, तो ऑफेंड मत हो जाना वीडियो को सुनने के बाद, थोड़ा सा ये डिस्क्लेमर ध्यान पर रखना। देखिए यहाँ पे इंडियन यूट्यूब एनिमेशन कम्युनिटी के बारे में बात करें तो दो यूट्यूबर का नाम हम सबसे पहले लेते हैं, एक है आरजे बकेट लिस्ट और दूसरा है नॉट योर टाइप। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं इन दोनों यूट्यूबर के बीच में कंपैरिजन, और टोटल चार पॉइंट पे हम आरजे बकेट लिस्ट एंड नॉट योर टाइप के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं और आएंगे लास्ट पे कंक्लूजन पे कि कौन है बेस्ट। और चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। अगर आपको इस तरह के वीडियो के ऊपर इंटरेस्ट है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साइड में बेल नोटिफिकेशन कॉल में क्लिक कर करना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो एट द फर्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे यूनिक एनिमेशन स्टाइल के बारे में। देखिए यहाँ पे अगर बात करें आरजे बकेट लिस्ट के एनिमेशन स्टाइल के बारे में, तो उसका जो एनिमेशन स्टाइल है वो टोटली जापानीज एनिमेशन स्टाइल के एनिमेशन वो बनाते हैं, जिसमें आपको बैकग्राउंड डिजाइनिंग या फिर कैरेक्टर डिजाइन जो देखने को मिलता है वो बहुत ही हाई लेवल होता है, जहाँ पे आपको मच मोर बेटर डिटेलिंग देखने को मिलता है, बहुत ही शार्पनेस देखने को मिलता है, और जो बैकग्राउंड क्वालिटी है या फिर आप कैरेक्टर डिजाइन कह लीजिए, एनिमेशन क्वालिटी कह लीजिए, वो बहुत ही हाई लेवल आपको देखने को मिलता है आरजे बकेट लिस्ट के वीडियो में। और अगर यहाँ पे हम नॉट योर टाइप के एनिमेशन क्वालिटी के बारे में बात करें या फिर आर्ट स्टाइल के बारे में बात करें, बैकग्राउंड डिजाइनिंग के बारे में बात करें या फिर कैरेक्टर डिजाइन के बारे में बात करें, तो थोड़ा सा वो स्टिकमैन टाइप या फिर कार्टूनिस्ट देखने को मिलता है आपको। अगर यहाँ पे बात करें नॉट योर टाइप के पुराने वीडियो के बारे में, तो वहाँ पे आपको उतना अच्छा क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगा, बैकग्राउंड क्वालिटी कह लीजिए या फिर कैरेक्टर डिजाइनिंग कह लीजिए, बट अभी के जो न्यू वीडियोज़ है वहाँ पे आपको जो है क्वालिटी वगैरह एकदम मस्त झकास देखने को मिलता है। और नॉट योर टाइप ने खुद ये कन्फेस करा है कि उन्हें उतना एनिमी देखना पसंद नहीं है, वो ज़्यादा कार्टून देखते हैं, इसलिए उसका जो एनिमेशन स्टाइल है, जो आर्ट स्टाइल है, वो थोड़ा सा कार्टूनी स्टाइल का है। नहीं पता मैं किस मुंह से तुम्हें ये बताऊं कि मैं एनिमे नहीं देखता हूं, क्योंकि तुम लोग को पता है मुझे कार्टून्स देखना थोड़े ज्यादा पसंद है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। तो पॉइंट नंबर टू है जोक्स। तो अब बात करें जोक्स के बारे में, तो यहाँ पे जोक्स के बारे में नॉट योर टाइप का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। आरजे बकेट लिस्ट नॉट योर टाइप को जोक्स के बारे में कभी हरा नहीं सकता, क्योंकि अगर आप नॉट योर टाइप की वीडियो देखोगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कितने फनी टाइप के जोक्स वो यूज़ करते हैं, मतलब आपका हंसना नहीं रुकने वाला है अगर आप नॉट योर टाइप की वीडियोस देखोगे रेगुलर अब देखते हो तो। बट आरजे बकेट के जो वीडियोस होते हैं वो थोड़ा सा सीरियस ज़्यादा होता है, वहाँ पे जोक्स आपको उतने हाई लेवल का देखने को नहीं मिलता है, जितना उतना फनी देखने को नहीं मिलता जितना नॉट योर टाइप की वीडियो आपको देखने को मिलता है। बट दोनों ही यहाँ पे स्टोरी टाइम एनिमेशन बनाते हैं, नॉट योर टाइप भी स्टोरी टाइम एनिमेशन बनाते हैं और आरजे बकेट लिस्ट भी स्टोरी टाइम एनिमेशन बनाते हैं, बट आरजे बकेट से नॉट योर टाइप का जो जोक्स है वो बहुत ही फनी होता है, और ये आप मतलब बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें अगले पॉइंट के बारे में, तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है रेगुलरिटी। देखिए यहाँ पे अगर रेगुलरिटी के बारे में बात करें, तो आरजे बकेट लिस्ट और नॉट योर टाइप के बीच में रेगुलरिटी को लेके बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। नॉट योर टाइप महीने में एक वीडियो अपलोड करता ही है और उसका हर वीडियो ट्रेंडिंग में आ जाता है, ठीक है। तो नॉट योर टाइप का ये एक मतलब प्लस पॉइंट है कि वो महीने में एक वीडियो जरूर अपलोड करता है। और यहाँ पे आरजे बकेट लिस्ट के बारे में बात करें, तो आरजे बकेट लिस्ट का जो लास्ट वीडियो में देखने को लगा 29 सितंबर 2022 को, जो था फास्ट लव पार्ट 2 का एक टीजर, ठीक है, जो आपको देखने को मिलता है। मतलब रेगुलरिटी के बारे में बात करें तो नॉट योर टाइप से बहुत ही ज़्यादा पीछे है यहाँ पे आरजे बकेट लिस्ट। और दोस्तों आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यूट्यूब में रेगुलरिटी मेंटेनेंस कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं करते तो आपका वीडियो जो है एल्गोरिज्म जो है आपका वीडियो का यूट्यूब चैनल का वो डाउन हो जाएगा, आपका रीच डाउन हो जाएगा। बट यहाँ पे एक पॉइंट भी है कि आरजे बकेट लिस्ट का एनिमेशन में बहुत ही ज़्यादा वक्त लेता है, वो खुद ये कन्फेस करता है कि मेरे एनिमेशन वगैरह में बैकग्राउंड डिजाइनिंग में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे इसीलिए आरजे बकेट लिस्ट का जो वीडियो अपलोडिंग डेट है वो बहुत ही मतलब लेट हो जाता है। और अब बात करें फोर्थ पॉइंट, मतलब ऑडियंस और सब्सक्राइबर के बीच में कंपैरिजन के बारे में। दोस्तों पहले तो आरजे बकेट लिस्ट सब्सक्राइबर के मामले में नॉट योर टाइप से बहुत ऊपर था, बट यहाँ पे रेगुलर वीडियो अपलोड करने से नॉट योर टाइप का जो सब्सक्राइबर बेस है वो आरजे बकेट लिस्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। देखिए यहाँ पे हम अगर बात करें आरजे बकेट लिस्ट के टोटल सब्सक्राइबर के बारे में, तो 3.21 मिलियन आपको सब्सक्राइबर देखने को मिलता है आरजे बकेट लिस्ट के चैनल पे। और अगर हम यहाँ पे नॉट योर टाइप के बारे में बात करें, तो नॉट योर टाइप के टोटल सब्सक्राइबर के बारे में तो 3.28 मिलियन सब्सक्राइबर आपको देखने को मिलता है नॉट योर टाइप के चैनल पे। बट यहाँ पे वीडियोज़ के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आरजे बकेट लिस्ट ने ओनली 16 वीडियो अपलोड करके 3.21 मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर लिया है, बट नॉट योर टाइप यहाँ पे 50 वीडियो अपलोड करने के बाद 3.28 मिलियन सब्सक्राइबर गेन करा है। तो एट द लास्ट हम आ जाते हैं कंक्लूजन पे। भाई नॉट योर टाइप और आरजे बकेट लिस्ट दोनों ही इंडियन यूट्यूब एनिमेशन कम्युनिटी का बेताज बादशाह है, और इन दोनों के वीडियोज़ ही बहुत ही हाई लेवल होता है, जैसे कि नॉट योर टाइप के बहुत ही हाई लेवल जोक्स हो गए और आरजे बकेट लिस्ट के बहुत ही हाई लेवल एनिमेशन क्वालिटी हो गए। और दोस्तों इन दोनों ही यूट्यूबर ने अपने एनिमेशन थ्रू बहुत सारे इंडियन ऑडियंस का ध्यान अपने तरफ खींचा है।
बट मुझे एक चीज लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही अलग यूट्यूबर हैं और दोनों का एनिमेशन स्टाइल, आर्ट स्टाइल बिल्कुल ही अलग है। और मेरे नज़र में इन दोनों ही एनिमेटर इंडियन एनिमेशन कम्युनिटी के बेस्ट एनिमेटर में से एक है। बाय द वे, इन दोनों में से कौन है आपका सबसे फेवरेट एनिमेटर, नीचे हमें जरूर कमेंट करके बताना। मैं मिलता हूं के साथ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।